नमस्कार बीसी न्यूज के खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर बार हम खास मुलाकात के जरिए आपको हर ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं जिससे आप में जानकारी मिले और आप में जन जागृति भी हो। आज हम ऐसे ही विषय को लेकर आए हैं और ऐसे ही मुद्दे पे बात करेंगे वर्मा कोनाला जी इनसे और राजू बाघ इनसे। हम देखते हैं कि अक्सर रोड हादसों में बहुत से जो है लोग जख्मी होते हैं या घायल होते हैं और कई बार उनकी उसमें मौत भी हो जाती है, और इसी के लिए इनकी जो संगठनाएं हैं वो कार्य करती है रक्षा मतलब रास्ता सुरक्षा सड़क सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी। वर्मा कोनाला जी ये जो है आए रास्ते के लिए काम करते हैं और सड़क दुर्घटना जो है इनका दुर्घटना मुक्त भारत सड़क दुर्घटना मुक्त भारत ये इनका मोटो है। साथ ही राजू बाघ जी जो है रोड मार्ग फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर ये क्या पहल है और किस तरह से इस पहल को मतलब जो है कार्यान्वित किया जा रहा है भारत में। देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, करीब 3.5 से 4.5 लाख लोग जख्मी होते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोग कम समय में मृत्यु पाते हैं। उसके बाद में ये जो दुर्घटना है 5 लाख, इसमें 76% युवाओं का दुर्घटना में मौत होती है और ये दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है जो कारण है वो 90% दुर्घटनाएं जो होती है वो मानवीय गलतियों की वजह से होती है। बिल्कुल। इसके साथ में जो दुर्घटनाएं होती है लोगों की जान जाती है, आर्थिक सामाजिक और मानसिक तौर पर लोग उध्वस्त होते हैं, परिवार उध्वस्त होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगे और पूरा देश इसमें परेशान है तो पूरे देश में ये जन जागृति पहुंचे, इसलिए एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर ये अभियान हम चला रहे हैं। बिल्कुल। इसके जरिए किस तरह से कार्य होता है, दुर्घटना जो होती है कई रास्ते ऐसे रहते हैं कि हमें पता है कि यह अक्सर दुर्घटनाएं होती है, तो इन्हें कैसे खोजा जाता है और कैसे रोक लगाई जाएगी? जी, तो मैं अप्लाइड एयर रिसर्च इनआई से हूँ। आई रास्ते हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके राइट ये रोड एक्सीडेंट्स कम करने की प्रोजेक्ट है। इसमें हम 3 वेक्टर से, पहले वेक्टर है हम ये बस में कैमरा लगाते हैं और ड्राइवर को अलर्ट देता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद दो चीज़ है, ब्लैक स्पॉट्स और ग्रे स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स ये होता है जो पिछले 3 साल में एक्सीडेंट्स हो या कोई मर गया हो, राइट। तो नागपुर में हमने एनालिसिस किया, वो 110 स्पॉट्स था, हमने सब एनालिसिस करके 37 स्पॉट्स जो मौत प्रोटोकॉल के है वो फाइनलाइज किया। हम हर एक स्पॉट में काम कर रहे हैं, वो काम के बारे में बताएंगे। ये ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट मैंने ऑलरेडी एक्सीडेंट्स हुआ है, राइट। अब ग्रे स्पॉट बताए, ये ग्रे स्पॉट है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट, तो एक्सीडेंट्स ना हो। तो हमने अभी नागपुर में 250 बसेस में हमने ये सब सेंसर्स लगाया, ये सब सेंसर से डेटा आता है, हम इनको सब एनालाइज करके देखते हैं कि हे एक ग्रे स्पॉट है, ये फ्यूचर में ब्लैक स्पॉट बन सकता है, उधर कुछ किया तो हम एक्सीडेंट्स होने से राइट वी कैन प्रिवेंट। तो जिस तरह से मतलब नागपुर में ये शुरू है आए रास्ते जो कार्य कर रहा है, इस तरह के आए रास्ते के और मतलब देश में कहाँ कहाँ इस तरह का कार्य किया जा रहा है? ये पहला प्रोजेक्ट है जी, हम मॉर्थ से गडकरी जी ने ये लॉन्च किया लास्ट ईयर, राइट, और अब तेलंगाना में भी एक शुरू किया, लेकिन नागपुर में ये पहला प्रोजेक्ट है। इसके वी वांट टू मेक दिस ए ब्लूप्रिंट फॉर द एंटायर कंट्री। बिल्कुल। तो रोड मार्ग फाउंडेशन और आए रास्ते दोनों के संयुक्त तत्वावधान में जो है एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर जो पहल की जा रही है उसमें जो है रोड मार्ग फाउंडेशन का किस तरह का योगदान है और किस तरह से उपाय योजना की जा रही है? जैसे आए रास्ते ने ब्लैक स्पॉट खोजे हैं, तो ये ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं कि जहां पे दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो इसने तांत्रिक तौर के ऊपर तो शासन काम कर रहा है, मगर ये जो दुर्घटनाएं होती है
तो जो ऑन स्पॉट मर गया है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जो जो गंभीर जख्मी है तो ये गंभीर जख्मियों को मदद करने वाली यंत्रणा हम रोड मार्क है, रोड एक्सीडेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर, तो ये मैनेजमेंट हम करते हैं। गए 20 साल से हम इस विषय पर काम कर रहे हैं। इसमें हम अभी आयरासर के साथ में विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट पे हम डिजास्टर सेंटर खड़े करेंगे। ये डिजास्टर सेंटर में जो सड़क पर दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दौड़कर जाने वाला जो गुड सिमरिटन है, गुड सिमरिटन जिसको हम देवदूत या दुर्घटनाग्रस्त रक्षक बोलेंगे, तो ये दौड़ के जाता है, उसको मदद करता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि मदद कैसी करनी है, उसको फर्स्ट एड कैसा करना है उसको नहीं पता। इसलिए हम इन सामान्य लोगों को, चाय टपरी वाला, होटल वाला, ढाबा वाला, फलपोल वाला, उसमें गैरेज वाला, ढाबा वाला, ये जो सामान्य लोग है, साइकिल का पंचर सुधारने वाला, चप्पल सीने वाला, ये सामान्य व्यक्ति जो है ये देवदूत है, ये गुड सैमरिटन है। तो हम इनको एक वहां पे सेंटर खड़ा करेंगे, उसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बोलेंगे। उसमें हम इन सभी लोगों को सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाने के बाद में उनकी समितियां तैयार करेंगे। ये वो उस ब्लैक स्पॉट के एक किलोमीटर ऐसे 4 किलोमीटर परिसर में जो लोग हैं उनको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और उनकी समिति बनाने के बाद में उनको प्रथम उपचार प्रशिक्षण देंगे। प्रथम उपचार प्रशिक्षण देने के बाद में इनको गोल्डन आवर्स में उन्होंने दुर्घटनाग्रस्तों को कैसे उठाकर ले जाना चाहिए, उन्होंने पुलिस को फोन करना चाहिए, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, उन्होंने स्थानिक लेवल पर जो भी लोग हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, और जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाना और उसके उसको फर्स्ट एड दिलाना और उसको उसकी जान बचाना, और धन्यवाद की अपेक्षा किए बिना वहां से निकल जाना, ऐसा हमारा कुल मिलाकर विषय है। और ये इसकी बहुत जरूरत है। ऐसे कई दुर्घटनाग्रस्त होते हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, उसमें एक छोटा सा विषय ऐसा होता है कि वो साधारण घायल है, गंभीर है या मीडियम है, ये उनको पता नहीं चलता, पता नहीं वो कैसा होना चाहिए। तो एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि इसको कैसा देखना है, इसको कैसा मदद करना है। तो ये सारी चीजें अगर सामान्य आदमी को पता चलती है तो ऐसे देश में कई लोगों की जान बचेगी। तो कई लोगों की जान बचेगी तो वो जो परिवार है वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक तौर पर उध्वस्त होने से बचेंगे। और इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की बहुत जरूरत है। और आए रास्ते ने हमको, हम तो काम कर ही रहे थे मगर उसको और अच्छे से काम करने का जो मौका दिया है, तो ये हम आए रास्ते को तो धन्यवाद देंगे ही। और लोगों तक, ये जन जन तक पहुंचे, ऐसे हजारों लोग तैयार हो जो गुड समेरिटन बने, देवदूत बने, दुर्घटनाग्रस्त रक्षक बने। इसलिए हम इस ब्लैक स्पॉट पर इस तरीके से काम करेंगे, हजारों लोगों की जान बचाएंगे, और यही पहल है एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर की। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि रास्ते पर दुर्घटना हो जाती है लेकिन लोग जो है मदद नहीं करते, या मदद भी करते तो एम्बुलेंस जो है नहीं आती है टाइम पर, वक्त नहीं हो, मतलब वक्त पर इलाज नहीं होता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो है रोड मार्क फाउंडेशन जो है कार्य कर रहा है, साथ ही टेक्निकली जो तौर पर काम कर रहा है आए रास्ते, तो दोनों की ओर से जो मतलब पहल की जा रही है, तो इस इसमें जन जागृति किस तौर से होने वाली है आप दोनों की ओर से? हाँ, तो ग्रे स्पॉट पे तो सर ने बताया है, और सर और उसका डेफिनेशन अगर, हाँ, अब ब्लैक स्पॉट पे वी नीड टू सेव लाइव्स। अभी ग्रे स्पॉट जो है ना, वो ग्रे स्पॉट हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी हम नागपुर में 20 ग्रे स्पॉट्स का हमें लिस्ट बनाया। लेकिन लिस्ट बनाने के बाद क्या करना चाहिए, राइट? हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, राइट? कैसे एक्शन लेना चाहिए? उधर पीपल का बिहेवियर चेंज करना चाहिए, राइट? और दे नीड टू गेट मोर डिसिप्लिन। अगर इन सब टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद कुछ बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो यू नो देयर इज नो राइट नो राइट तो That's where roadmark is doing work. राजू जी बताएंगे। मुझे एक और सवाल था कि जैसे हम देखते हैं कि ये तो हो गई सिटी की बात, हाँ। लेकिन हाईवे पर हम देखते हैं कि अक्सर बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पे आए रास्ते कैसे काम करेगा? हाँ, तो ये इधर तो हमने पहला प्रोजेक्ट जो शुरू किया वो नागपुर अर्बन एरिया में फोकस कर रहे हैं। तो हम तेलंगाना में, मैंने बताया, सेकंड प्रोजेक्ट शुरू किया,
उधर हाईवेज पे फोकस कर रहे, इन दोनों को मिला के हम ब्लू प्रिंट बनाएंगे बोथ अर्बन एरिया और हाईवेज मिला के, राइट, फॉर द होल कंट्री। ये जो आया रास्ते और रोड मार्ग फाउंडेशन का जो विषय है, जिससे ये जो मॉडल बन जाएगा नागपुर शहर, तो ये नागपुर से दिल्ली तक ये सारे लोग, क्योंकि कनेक्टिविटी कैसी बनती है तो वो हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए एक कदम जो है वो दुर्घटना मुक्त भारत की ओर है। संयुक्त तत्वावधान में तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका मतलब हाईवे पे किस तरह से रोड रहेगा फिर? हाईवे पे भी, हाँ बताइए, हाईवे पे हम जैसे हम नागपुर में एक उदाहरण के तौर पर हम वर्धा रोड के ऊपर चीज भवन के पास में पहला प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो वर्धा रोड से लेकर हैदराबाद तक अगर हमको इस रोड पे की जो दुर्घटनाएं हैं और ये ब्लैक स्पॉट है, तो ये ब्लैक स्पॉट रहे चाहे ना रहे, हर 10 किलोमीटर के बाद में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जन सहभाग उसमें होना चाहिए, तो वहाँ के ये जो सामान्य लोग हैं, ये नागपुर से दिल्ली तक या नागपुर से हैदराबाद तक ऐसे सारे अगर लोग जुड़ते और कभी दिन में या रात में दुर्घटना होती है, तो ये जो सामान्य आदमी है, व्यक्ति है, ये गुड सैमरिटन, ये देवदूत है, ये इस 12 से 15 घंटे 18 घंटे इस रास्ते पर काम करते हैं। अगर ऐसे लोग इसमें कनेक्ट हो जाते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा अगर वहाँ पे है तो ये सारे लोग उसमें उसको मदद करेंगे, और कोई भी व्यक्ति प्रथम उपचार के अभाव में मरेगा नहीं, और उसको मदद करने वाली यंत्र अगर लोक सहभाग से होती है तो कई लोगों की जान बचेगी। तो मुझे लगता है ऐसे अगर ये तो 30% जो दुर्घटनाएं हैं, 30-40% दुर्घटनाओं में ऐसे लोग अगर एक जगह आते हैं, सारा जन सहभाग, पूरा देश एक जगह पे आकर ऐसे काम करता है अपने अपने क्षेत्र में, तो हजारों लोगों की जान बचेगी, हजारों लोगों के जो परिवार है वो उध्वस्त होने से बचेंगे, बर्बाद होने से बचेंगे। तो इसलिए कनेक्टिविटी नागपुर से पूरे देश भर में चली जाए, ऐसा ये हमारा विश्वास है, और इसके लिए हम जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट के बारे में आपने बताया। ब्लैक स्पॉट के बारे में जैसे बताया कि जो जहाँ पर अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो ग्रे स्पॉट की डेफिनेशन क्या है? हाँ, ग्रे स्पॉट की डेफिनेशन है कि जो फ्यूचर में ब्लैक स्पॉट हो सकता है, राइट। अभी तो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है, तो ये कैसे पता लगता है हमें, राइट। अभी जो हमने बताया नागपुर में हमें 250 बसेस इस सेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। इनका डेटा हमें रोज मिलता है, तो ये सब हम एग्रीगेट करके एनालिसिस करते हैं, उनसे हम निकालते हैं कि इधर इन स्पॉट्स पर प्रॉब्लम है, इधर कुछ ना किया तो ये फ्यूचर में ब्लैक स्पॉट हो सकता है, राइट। वही उन स्पॉट्स पर हमें कुछ प्रोग्राम करना है, वही जन जागृति करना है, राइट। इसलिए हम रोड मार्क से हम कर रहे हैं, राजू जी बताएंगे कैसे प्रोग्राम बनेंगे, क्योंकि उधर का प्रोग्राम अलग होगा, राइट, उधर बिहेवियर चेंज करने का प्रोग्राम होगा, राइट। तो किस तरह से जन जागृति के तौर पर जो है कार्य किए जाने वाला है? जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्रे स्पॉट या ब्लैक स्पॉट ढूंढ रहे हैं। अभी ये ग्रे स्पॉट होने के है, तो ये ग्रे स्पॉट ब्लैक स्पॉट ना बने, और ये ग्रे स्पॉट के परिसर में जितनी कॉलोनियां बस्तियां जो भी है, तो ये लोग वहां पे ग्रे स्पॉट से जब जाते हैं तो वो वहां पे गिरते पड़ते हैं, मगर वहां पे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि ये काम हमारा नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है, ये रास्ता बनाने वालों का काम है, मगर उनको ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें अगर हमने कुछ मटेरियल डाल दिया या कुछ पत्थर डाल दिया या मुरुम डाल दिया या गिट्टी डाल दिया, तो वो जो वहां पे खड्डे में जो लोग गिरे हैं वो नहीं गिरेंगे, मगर वहां से 1,00,000 लोग अगर 15 दिन में जा रहे हैं या 10 दिन में जा रहे हैं या 1 महीने में जा रहे हैं, तो 1,00,000 में से एक भी बंदा ऐसा नहीं निकलता जो जिसको लगता है कि ये ग्रे स्पॉट को मैंने कुछ सुधारना चाहिए, या संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसको बोलना चाहिए कि ये सुधारो, तो वो उनको लगता है कि प्रशासन करेगा, प्रशासन को पता ही नहीं होता कि वहां पे ग्रे स्पॉट है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि आए रास्ते ग्रे स्पॉट ढूंढ रहे हैं, और एनजीओ करके हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने वो ग्रे स्पॉट को सुधारना चाहिए, और केवल एनजीओ हर जगह पे नहीं जाएगी। तो अभी जो शुरुआत हुई है वो ऐसी है कि वो परिसर के लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रे स्पॉट है, आप जा रहे थे तो आपको वहाँ पे गड्ढा दिखा है, कहते बोले हाँ, आपको उसकी परेशानी, कहते हाँ, तो आप वहां से जाते समय अपने आप को
आप सुरक्षित चलने के लिए आप ध्यान दें, आप वो ग्रे स्पॉट के आजूबाजू जाए, या वो ग्रे स्पॉट हमारे, हम नहीं गिर सकते, हम तो ध्यान दे रहे, जो नहीं दे ध्यान दे रहे वो गिरेंगे, ये लोग कौन है, तो हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही परिसर के लोग हैं, हमारी कॉलोनी के बस्ती के झोपड़पट्टी के लोग हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, तो वो ग्रे स्पॉट परिसर में जाते समय ध्यान से वाहन चलाना चाहिए। नंबर दो कि वो ग्रे स्पॉट कहीं पे भी हो शहर में, हमने रास्ता जो है ये मेरा मित्र होना चाहिए, हम जिस रास्ते से हर रोज उसको यूज करने वाले हैं, तो वो रास्ते में जितने भी बाधाएं हैं दुर्घटना के कारण, वो बाधाएं हमने दुरुस्त करनी चाहिए, और हमने वो रास्ते को अपना मित्र मानना चाहिए, वहां पे हमने ध्यान देकर चलना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि दुर्घटना का कारण जो होती है वो स्पीड में वाहन चलाना है, वो मद्यपान करके वाहन चलाना है, वो बिना बेधड़क वाहन चलाना है, वो वाहन चलाते समय फोन पे बात करना है, ये जो छोटी छोटी दुर्घटना के कारण बनने वाली जो बातें हैं, जो अड़चने हैं, वो लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए हम एक एरिया ले रहे हैं वो परिसर का, और उसको हम एक महीने का प्रोग्राम लिया, 9 दिन हमने उनकी मानसिकता का सर्वे किया है, और 21 दिन उनको हम शपथ दिलाते हैं, और वो 21 दिन में हम उनको हर रोज शपथ दिलाने के बाद में बोलते हैं कि आप जो भी गलती कर रहे होंगे, ये 20-25 जो भी गलतियां हैं, तो वो एक गलती अगर हम कर रहे हैं तो वो सुधारने के लिए हम आप 21 दिन तक प्रयास करें, हर दिन शपथ ले कि मैं यातायात नियमों का पालन करूंगा, यातायात नियमों का पालन करना अपनी जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति बनाऊंगा, और मैं सुबह जब ऑफिस में जाने के लिए निकलूंगा तो मैं जो गलती कर रहा था वो आज नहीं करूंगा। ऐसे 21 दिन तक उसकी मानसिकता बने, और 21 दिन तक उसने कोशिश करना चाहिए, तो हमने उसको 21 दिन के लिए हर रोज वो अपनी मानसिकता कैसे बदल करता है वो उसके हर रोज का लिखे कि आज मैंने वो दुर्घटना का कारण जो मैं गलतियां करता था वो सुधारने के लिए आज मुझे क्या अनुभव आया, मैंने क्या प्रयास किया, और 21 दिन के बाद में उसकी मानसिकता, उसका बिहेवियर कैसा बदल गया, उसका वर्तन कैसा बदल गया, तो वो 21 दिन तक लिखे और उसमें जो सुधार हुआ है वो हमको बताए। तो लोगों की मानसिकता बदल करने के लिए हमने ग्रे स्पॉट पर अर्जित करे दुर्घटना मुक्त जीवन जीने की कला, यह अभियान चलाया है, और जैसे ब्लैक स्पॉट में रोड, रस्ते, अपघात आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र खुले हैं, वैसे कॉलोनियों में हम अर्जित करें दुर्घटना मुक्त जीवन जीने की कला, ये अभियान चलाकर उसमें से 200, 250, 300, 500 जितने भी लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको वहाँ पे सारे परिवार को एक जगह पे लाकर उनको ये सारी दुर्घटना के कारण बताएंगे, दुर्घटना क्यों होती है वो बताएंगे, दुर्घटना की वजह से क्या नुकसान होता बताएंगे, कैसी होती है वो बताएंगे, बताते हैं, और उनमें सुधार कैसा लाना है वो बताते हैं, और इस तरीके से ग्रे स्पॉट पे काम चल रहा है, और हम आने वाले दिनों में ये विषय जन जन तक पहुंचे, ये जन आंदोलन बने, और इसके लिए हम जन आंदोलन की नींव इस अभियान में से हम रख रहे हैं, और ये अभियान में से हम ये तय करेंगे कि पूरा नागपुर शहर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और पूरा नागपुर शहर जन आंदोलन में जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन ये क्रांति हो जाएगी, और ये जो मॉडल है ये मॉडल सारे देश में पता चलेगा, और सारा देश ये तय करेगा, यहाँ के जो दक्ष सुज्ञ और जो समझदार लोग हैं ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो, और इस दुर्घटना को रोकने के लिए शहर के जितने अच्छे लोग हैं, जितने समझदार लोग हैं, वो सारे इसमें लोग जन आंदोलन में सहभागी होकर जो मानवीय गलतियों की वजह से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो कम करने के लिए सहायता करें। इसलिए मैं सबको, मैं निवेदन हम आज करने के लिए आए हैं, आए रास्ते से हमारे कुनाला जी है, मैं रोडमार्क फाउंडेशन से राजू वाघ हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इसमें गवर्नमेंट का आपको किस तरह से सपोर्ट हो रहा है? फुल सपोर्ट जी, हमारा एक कंसोर्शियम है एक्चुअली आई रास्ते, ये इंटेल है इंडस्ट्री पार्टनर, राइट, महिंद्रा है, अब हम एनएमसी नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वेरी क्लोजली काम कर रहे हैं, राइट, आज ही कमिश्नर राधाकृष्ण साहब से फिर मिले, राइट, हमें जो कुछ भी कोऑपरेशन चाहिए सब कुछ मिल रहा है आपसे, नहीं तो नहीं होगा जी, ये किसी एक का काम नहीं है, सब मिलकर करने का है। किस तरह से अगला जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कहाँ मतलब किया जाएगा, क्योंकि नागपुर जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप कर रहे हो, इसके बाद मतलब कौन से शहर में आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत है? एक्चुअली हमारा प्लान है कि अब ये नागपुर में अर्बन एरिया जो है
और तेलंगाना में हाईवे जो है, इन दोनों के फिनिश होने के बाद ब्लूप्रिंट लेके हम मॉर्थ को जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड अफेयर. तो वी वॉन्ट टू डू इट इन एवरी सिटी इन द कंट्री, राइट? तभी एक्शन हम होगा ना, right? तभी ये जो पहल है एक कदम दुर्घटनामुक्त भारत की ओर, ये सफल हो पाएगी. बिल्कुल, जीवन ये अमूल्य है और हमने आज जाना कि किस तरह से एक कदम दुर्घटनामुक्त भारत की ओर ये पहल की जा रही है, और इसके तहत अगर हम सब अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियों को समझकर हमारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक दिन निश्चित ही एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर ये पहल जो है पूरे भारत भर में सफल हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो नागपुर से है और आप भी नागपुर से, और ये रोडमार्क फाउंडेशन ये नागपुर की संस्था है, तो इसमें गडकरी जी के मतलब विजन से आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं या किस तरह से उनके ओर से आपको जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उसके बारे में क्या बताओगे? माननीय नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर शहर के लोक नेता है, हमारे खासदार है और देश के परिवहन मंत्री है, और उन्होंने दुर्घटनाएं रोकने के लिए बहुत काम किया है पूरे देश भर में, देश विदेश में उनकी ख्याति है और वो सारा दुनिया उनको जानती है. मगर दुर्घटना मुक्त भारत हो ये उनका सपना है, तो ये सपना वो तो अपने तौर पर बहुत सारा काम कर रहे हैं. मगर उनका एक कार्यकर्ता नागपुर शहर का एक सड़क सुरक्षा एक्टिविस्ट करके हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी हमने भी लेनी चाहिए. और इसलिए माननीय नितिन जी गडकरी इनके सपनों का दुर्घटना मुक्त भारत कैसा हो, ये संकल्पना मेरे मन में आई थी और मैंने उनसे ये बात भी कही कि माननीय नितिन जी मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर, ये संकल्पना जो आपकी है उसमें मेरा एक छोटा सा काम खड़ा हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ. उसने उसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया और बोला कि तू नागपुर में है और अच्छा काम कर. तो इसलिए उनके सपनों का भारत कैसा बने, तो वो मॉडल मैं नागपुर में बनाना चाहता हूँ. और अगर उनको समय समझो समय नहीं है, बहुत काम उनके पीछे रहते हैं और ग्राउंड लेवल पर वो आकर इतना छोटा छोटा काम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटा कार्यकर्ता जो है वो इस विषय पर पर्टिकुलर काम करेंगे. और ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट ये दोनों के माध्यम से एक कदम दुर्घटना मुक्त भारत की ओर का हमने विजन रखा, और जो छोटी छोटी दुर्घटना हो गई तो लोगों की जान बचाना और दुर्घटना ना हो इसके लिए लोगों में जन जागृति करना, दुर्घटना के कारण जो है वो लोगों को बताना, उनकी मानसिकता तैयार करना कि वो सकारात्मक तौर पर यातायात नियमों का पालन करे और दुर्घटना मुक्त रहे. और संपूर्ण देश अगर नितिन जी के तरफ या नागपुर के तरफ देख रहा है कि नागपुर से कुछ अच्छा हो, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि देश में जो जन आंदोलन खड़ा हो रोड सेफ्टी पर वो उसकी शुरुआत नागपुर से हो, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नागपुर से ये काम खड़ा हो और माननीय नितिन जी का जो सपना है उसकी शुरुआत नागपुर से होकर पूरे देश में फैले और देश में जितनी दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं कम हो. अभी फिलहाल में दो बड़ी दुर्घटनाएं हो गई जिसमें साइरस मिस्त्री और मेटे साहब का दुर्घटना में मौत हो गए. ये देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, देश के लिए समाज के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसे लोगों के दुर्घटना में मौत हो रही है तो जन सामान्यों का तो कुछ भी नहीं हो सकता. इसलिए जो मानवीय गलतियां हैं वो कम करना ये हमारा मकसद है. राजू बाग जो कि रोडमार्क फाउंडेशन से ये कई सालों से जो है सड़क दुर्घटना को लेकर और रोड सेफ्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आज वर्मा कोनाला जी हमारे साथ है, इन्होंने भी आए रास्ते किस तरह से कार्य कर रहा है इसकी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज के कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का, देखते रहिए 20 से न्यूज़. नमस्कार.